गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। पीएम मोदी 11 मार्च को करेंगे कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन का पूंग तक वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन का पुंग तक नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस फोरलेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 69 किलोमीटर लंबे फोरलेन को बनाने में कंपनी को करीब 4 साल लगे। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे 2012 में शुरू किया था, लेकिन बीच में निर्माण कंपनी दिवालिया घोषित हुई और काम रुक गया। वहीं 2019 में इसका काम नई कंपनी को आवंटित किया गया। पहले इस नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी। फोरलेन बनने के बाद लंबाई 37 किलोमीटर घटकर 69 किलोमीटर रह गई। इसमें ग्रीन फील्ड की लंबाई 47.753, ब्राउन फील्ड की 21.45 किलोमीटर है। 14 अगस्त 2019 को ब्राउन फील्ड का 249 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ था। आइजोल ने 7 फेरे लेने के लिए बर्फ ग्लेशियर पर चलकर 12 घंटे में किया 32 किलोमीटर सफर। शादी के 7 फेरे लेने के लिए मंडी जिले के आइजोल ठाकुर बर्फ और ग्लेशियर पर 12 घंटों में 32 किलोमीटर पैदल चलकर उदयपुर से अटल टनल रोहतांग तक पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक उदयपुर में सीनियर कैशियर के पद पर तैनात आइजोल की 11 मार्च को शादी है। वह समय पर घर पहुंचेगा या नहीं, इसे लेकर परिवार वाले भी चिंतित थे। वहीं आइजोल निवासी चैल डाकखाना रोपड़ी तहसील सरका घाट के लिए ये पल हमेशा यादगार रहेंगे। घर पर शहनाई की तैयारियां चल रही हैं। दुल्हा घर से कई किलोमीटर दूर बर्फीले इलाके से निकलने के लिए छटपटा रहा था कि मैं अपनी शादी में समय पर पहुँच पाऊँगा या नहीं। कठिन हालात में भी दूल्हे ने हार नहीं मानी और बर्फ और ग्लेशियरों की परवाह न करते हुए जान जोखिम में डालकर 32 किलोमीटर का सफर माइनस डिग्री तापमान और बर्फीली हवाओं के बीच एक अन्य साथी के साथ पूरा किया। दूल्हा अब अपने घर पहुंच चुका है। वहीं आइजोल ठाकुर के सिर अब सेहरा सज। रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल के उद्योगों में 7 आवश्यक बदलाव से आंतरिक वातावरण में हुआ सुधार। देश समेत प्रदेश के उद्योगों में हवा के सही आवागमन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 7 बदलाव करने से आंतरिक वातावरण में सुधार हुआ है। इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह की रिपोर्ट में हुआ है। शोध में पाया गया कि यदि उद्योगों में मुख्यतः 7 जरूरी बदलाव कर दें तो कामगारों को फेफड़ों, दमा, एलर्जी, COPD, क्षय रोग और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में भी पेश किया है। रिपोर्ट को सराहा गया है। शोध की रिपोर्ट को अब सरकार को भी भेजा जाएगा ताकि उद्योगों में बदलाव के लिए नियमों को तैयार किया जा सके। शोध के दौरान प्रदेश में 10 उद्योगों में हवा की शुद्धता की जांच की गई। 12 मार्च को 24 घंटे के लिए बंद हो सकती है 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा। हिमाचल में 12 मार्च को आपातकालीन 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रह सकती हैं। इसके लिए यूनियन कल DC के माध्यम से सरकार को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपेगी और 24 घंटे का समय इन मांगों को पूरा करने के लिए देगी। मांगे पूरी नहीं हुई तो यूनियन के आह्वान पर प्रदेश में मंगलवार यानी परसों 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाएँ बंद मिलेंगी। यूनियन का कहना है कि अथॉरिटी ने उनका न्यूनतम वेतन 17,235 रुपये तय किया है, लेकिन उन्हें 13,500 रुपये ही मिल रहे हैं। प्रदेश में 1,800 के करीब कर्मचारी हैं जो मंगलवार को 24 घंटों के लिए अपनी सेवाएं बाधित रखेंगे। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 3-6 के सिलेबस में बदलाव, नए सत्र से बदल जाएंगी किताबें। प्रदेश के स्कूलों में 3-6 कक्षा में अब छात्र नया सिलेबस पढ़ेंगे। NCERT ने सिलेबस तैयार कर दिया है और अब इसे पब्लिश किया जाना बाकी है।
नई किताबों के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए अलग अलग विषयों में कमेटी बनाई गई है। पुराने पैटर्न से शिफ्ट होकर अब नए सिलेबस की पढ़ाई होगी और पाठ्यचर्या परिवर्तन योजना के तहत ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स 25 मार्च तक NCERT की वेबसाइट पर जारी करने की तैयारी है। सभी क्लासेस की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। NCERT की तरफ से कक्षा तीसरी और छठी की किताबों में बदलाव किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन, प्रदेश के 6 और सेक्टर को मिला इंडस्ट्री का दर्जा। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मध्य हिस्से तक उद्योगों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन करते हुए 6 नए सेक्टर्स को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। इसके बाद अब टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशनल एक्टिविटी को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव RD नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 16 अगस्त 2019 को नोटिफाई की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन किया है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के नियम भी बदले गए हैं, जिनमें उद्योगों को इंसेंटिव, कंसेशन या अन्य तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। मुख्यमंत्री बोले 22,000 आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने पिछले कल यहां कहा कि 22,000 से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2,968 परिवारों को 3 लाख रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है। OPS के लिए आज रणनीति बनाएंगे बिजली बोर्ड कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई। बिजली बोर्ड में 16,000 कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पाई है। ओल्ड पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी आर पार की लड़ाई को तैयार हैं और आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। दरअसल बिजली बोर्ड कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाल करने का आह्वान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ 28 फरवरी को बैठक तय हुई थी, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह बैठक टाल दी गई और अब मार्च का करीब 1.5 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी बैठक की नई तारीख तय नहीं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना, चंद मिनटों में खत्म ग्रह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।